हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू GRS टेक्निकल विजार्ड्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कम्युनिटी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। तो चलिए आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो एक साइड में आपको एक टॉपिक लिखना होता है और दूसरे साइड में आपको सेकंड टॉपिक लिखना होता है। बीच में पेंसिल और रूलर से एक लाइन खींचनी होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहली बात ऊपर में लिख देंगे पहला टॉपिक का, नीचे में दूसरे टॉपिक का। तो ये रॉन्ग मेथड होता है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या कोई सा भी आपका बोर्ड हो। और लिखने में भी थोड़ा अनटाइडी लगता है। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, अगर आपको ग्रीस मार्क्स मिलना होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका पहला यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, एक तरफ हमने एक्टिव इम्यूनिटी लिखा है, दूसरी तरफ पैसिव इम्यूनिटी लिखा है। पहले मैं एक्टिव इम्यूनिटी से स्टार्ट करती हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। क्लियर है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, पैसिव इम्यूनिटी का हम पहला पॉइंट बोल रहे हैं। इट इज टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। आई डू रिपीट इट, इट इज टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ठीक है, अब एक्टिव इम्यूनिटी का सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, एक्टिव इम्यूनिटी का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। पैसिव इम्यूनिटी, इट डज नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, पैसिव इम्यूनिटी जो होता है उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट एक्टिव इम्यूनिटी का, इट इज स्लो, इट टेक्स टाइम इन प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सेज। देख सकते हैं, इट इज़ स्लो, इट टेक्स टाइम इन प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सेज, ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो कि थोड़ा टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में। पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ फास्ट, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ। ये जो होता है वो तुरंत मतलब फास्ट असर करता है और उसका जो असर होता है वो तुरंत हम लोगों को देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट एक्टिव इम्यूनिटी का होगा, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। आपसे एक मार्क्स से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, तो आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना होगा इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का जब आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन बता पाई होंगी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।